हमारा तो हाफ इंच हमने कम करके यहाँ पर 9.5 इंच पर ये मार्क कर लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्लीव्स को ज्वाइंट करना बताऊंगी बिल्कुल ही आसान तरीके से। आर्म होल के हिसाब से हम स्लीव्स की जो कटिंग करते हैं, जो ये शेप देते हैं, हम आर्म होल के हिसाब से कैसे देंगे कि हम जो कटिंग करते हैं उसमें फिटिंग वगैरह हम सब कर लेते हैं और तीरा जो है उसमें दिक्कत आती है हमें सूट की कटिंग करने में, या फिर दिक्कत आती है हमें स्लीव्स को हम ज्वाइंट करते हैं उसमें। ठीक है, जो हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाते हैं और जो स्लीव्स की यहाँ पे कटिंग करेंगे गोलाई में, जो ये वाली हम गोलाई डालते हैं, तो दिक्कत कहाँ आती है कि हम यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे तो उसमें हमारी स्लीव्स छोटी या बड़ी हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्लीव्स इसमें नहीं आती है। तो आपको मैं बहुत ही यूजफुल एक टिप्स बताऊंगी और आप जरूर ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट में भी बताना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना। ये हमने स्लीव्स का कपड़ा यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, कपड़ा हमने ये यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लिया है, जैसे कि हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा होता है। तो इसमें हम जो लंबाई लेंगे स्लीव्स की कटिंग, पहले मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। देखिए 19 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ है, तो मैंने 21 इंच लेंथ कपड़े की ले ली है। ठीक है, जितनी भी हमारी स्लीव्स की लेंथ हो उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। 1/2 इंच हमारा शोल्डर पे जाता है, 1.5 इंच हमारी फोल्डिंग में चले जाता है। ठीक है, तो ये मैंने टोटल कपड़ा ले लिया है 21 इंच। अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर ये मोहरी के लिए मार्क कर लेंगे। तो मोहरी हमारी यहाँ पर 5.5 इंच तैयार है, यहाँ पे हमारी फिटिंग आएगी। और अब 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहां से जो खुली साइड होती है हमारी स्लीव्स की, यहां से हमने इसको 3 इंच पर एक मार्क करना है। ये देखिए, कोई भी साइज की स्लीव्स हो 3 इंच हमने यहां पर मार्क करना है 3 इंच पर। अब यहां पे हम आर्म होल की जो हमारी निशान है वो लगाना है। तो वो हमने कैसे लगाना है, जो फिटिंग का हमारा, जो फिटिंग की हमारी सिलाई आएगी। ठीक है, चेस्ट का मार्क है जो हमने फिटिंग करनी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए शोल्डर पे 1/2 इंच हमारा यहाँ पे ये स्टिचिंग में जाता है। तो यहाँ पे 1/2 इंच हम इसको इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे। और जो फ्रंट पार्ट की गोलाई है हमारे आर्म होल की, यहां से इसको नाप लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल जहां से हमारी कटिंग हुई है वहीं से हमने इस तरीके से इसको नाप लेना है। और ये देखिए, ये हमारा 10 इंच आ रहा है रेडी। ठीक है, तो अब हमने स्लीव्स पर कट कैसे करना है। 10 इंच है हमारा ये टोटल, और ये ध्यान रखना है बैक आर्म होल हमने नहीं नापना है, हमने नापना है फ्रंट आर्म होल। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 10 इंच था हमारा, तो यहां पे हम मार्क कर लेंगे 9.5 इंच पर। ठीक है, 1/2 इंच हमने कम करना है, 10 इंच था हमारा तो 1/2 इंच हमने कम करके यहाँ पर 9.5 इंच पर ये मार्क कर लिया है। और यहां पर अभी हमारा आ गया है 1.5 इंच मार्जिन। ठीक है, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो अब यहां से हम गोलाई दे देते हैं इसमें। इस तरह से ये बैक की हो गई, और यहीं से फिर हम थोड़ा सा अंदर की साइड करते हुए यहां से फ्रंट की दे देंगे। ठीक है, यहां पर ये हो गया। अब ये देखिए, जो ये मार्क है इसको हम यहां से मिला देंगे। इस तरह से, और फिटिंग वाली हमारी ये मार्किंग है। ठीक है, यहां पर हम फिटिंग करेंगे। ये सांस है, ठीक है। और आप देखिए, मैंने ये बिल्कुल सीधा यहां पर ये लाइन की है। अगर आपको यहां से बिल्कुल फिटिंग में स्लीव्स चाहिए तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां से यहां तक तो आप इसको यहीं तक लेकर आएंगे, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा आप यहां से अंदर की साइड इस तरीके से
ये घुमा दे दीजिए इसमें इस तरीके से, ठीक है। यहां से आप सिलाई लगा सकते हैं इसमें। अगर आपको लूज स्लीव्स पहनना पसंद है तो आप यहां से सीधा जो मैंने मार्क लगाया है यहां पे सिलाई लगाइए, अगर फिटिंग भी चाहिए तो आप यहां से अंदर से लगाइए, ठीक है। बिल्कुल ही आपकी फिटिंग में स्लीव्स आएगी। अब यहां से कटिंग कर लेते हैं। देखिए आप बैक आर्म होल जो है उस पर हम कटिंग करेंगे। यहां से भी कर देंगे, ये लीजिए। और अब हम इसकी फ्रंट आर्म होल की भी कर देंगे यहां पर छटाई। ये लीजिए, अब देखिए यहां पर ये जो है हमारा आर्म होल बिल्कुल यहां पे परफेक्ट आएगा। यहां से इसको देखिए बैक वाला भी हमारा बिल्कुल सही आएगा। ये देखिए इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए यहां पर ये हमारी आती है फिटिंग, बिल्कुल सही आएगी, ठीक है। अब देखिए ये यहां से और फिर ये बिल्कुल इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा, देखिए, ठीक है। तो अब ये यहां पर इस तरीके से हम इसमें स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे, बिल्कुल ही परफेक्ट आएगी आपकी स्लीव्स और घूमेगी भी नहीं, आप एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में इसी तरीके की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।